वो अनेकों बार जिन्ना से मिलने गए और सदा उन्हें जिन्ना भाई अथवा कायदे आजम कहकर संबोधित किया, लेकिन एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो। गांधी जी की जिस आध्यात्मिक शक्ति और अहिंसा की महिमा का सब जय जयकार करते हैं, वो जिन्ना की दृढ़ता के सामने नपुंसक सिद्ध हुई। जब गांधी जी को यह दिखाई दे चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए किसी दूसरे नेता को जिन्ना और मुस्लिम लीग से निपटने का कार्य सौंप देना चाहिए था। परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पर इतनी भारी पड़ी कि राष्ट्र के दो टुकड़े हो गए। हमारे त्यागी और दूरदर्शी नेताओं ने संपूर्ण भारत की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, परंतु देश के विभाजन से वो संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास विफल हो गया। जिन देशभक्त क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को गले से लगाया था, आजीवन कारावास अथवा देश से यदि मैंने गांधी जी का वध किया, मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु मुझे ये भी दिखाई देता था कि भारत की राजनीति से गांधी जी के प्रस्थान से ही भारत का भाग्योदय होगा और देश एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। मैं अवश्य मरूंगा परंतु देश अमर होगा। मुझे गालियां मिलेंगी परंतु विश्व में भारत का नाम होगा। और यही सोचकर मैंने गांधी जी का वध करने का निर्णय लिया और अपना यह निर्णय किसी को नहीं बताया। अंततः 30 जनवरी 1948 को मुझे मेरा निर्णय साकार करने में सफलता मिली। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैं पापी हूं, और यदि देशभक्ति प्रशंसनीय है तो मैं स्वयं को उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूं। मेरे जीवन का अंत तो तभी हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात तो मैं एक अनासक्त जीवन बिता रहा हूं और मुझे अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं है। इंतहा ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನಂತೀರಿ?